हेलो फ्रेंड, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी तरह यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि यूनिवर्सिटी मतलब फिर से लॉकडाउन हो गया, यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है और फल्ला मतलब क्या है, घर में रहना और ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज क्लासेस के बाद कुछ पकाना है, खाना है खाने के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या पकाना है क्या खाना है। इसके बाद जो है ना लाइफ तो बहुत बोर हो गया, मतलब क्या है मतलब क्लासेस लेना और ये बस बोरिंग हो गया। मुझे तो बोरिंग लग रही है क्योंकि ना हम जब यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी मतलब था कि हर रोज़ जाना और फ़न करना, फ्रेंड के साथ क्लासेस लेना, मतलब मज़ा आता था। अब जो है ना बस हो गया है क्लासेस। और जो है अभी भी मैं ऊपर आई हूँ यहाँ पे जो है ना हमारे गांव में, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जो है ना बाजार है, गली के अंदर, गली के अंदर जो है ना बस कोई ना कोई चीज़ जो है ना बेचने वाला जो मतलब आता ही रहता है, तो कोई ना कोई आवाज़ कोई ना कोई आवाज़ कोई ना कोई आवाज़ तो आती ही रहती है। तो फिर जो मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर जो है ना एक रूम है वहाँ पे आई हूँ, तो आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद जो अदरवाइज़ वैसे तो कोई वो नहीं है, अगर मैं एक दिन नीचे बैठ के बनाऊँगी आप लोगों को इतनी कोई बेशुमार आवाज़ें आएंगी, कभी कोई पतीसे वाला आ रहा है, कभी कोई सब्ज़ी वाला आ रहा है, कभी कोई ना कोई चीज़ वाला आते रहते हैं, मतलब बस कोई वो नहीं है। कभी वो जो है बाल बेच वो जो आता है वो आता है, ऐसे ही मतलब कोई ना कोई आ जाता है। इसी दिन मैं आपको सबकी आवाज़ें सुनाऊंगी। अच्छा तो चलो ठीक है, जब मैं खाना बनाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या पकाया है आज, तो फिर देखना कि मैंने क्या पकाया आज, ठीक है? अब जो है ना मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। ये जो है ना लस्सी है, इसके अंदर जो अच्छी तरह से इसे ना वो कर लेती है, फेंट लेनी है, ठीक है? अच्छी तरह से करने के बाद ना इसकी बनानी है हमने, इसकी जो है ना हमने बेसन की जो है ना वो बनानी है, कढ़ी बनानी है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना चीज़ें डालते हैं, इसके अंदर मैं डालूँगी जो है ना सब्ज़ मिर्च, हल्दी। हल्दी जो है ना वो थी हमने जो है ना घर पसवाई थी और ली थी पहले, उसके बाद सुखाने के बाद जो है ना काफ़ी दिन उसके बाद पसवाई थी, मतलब इसका काफ़ी अच्छा कलर आता है हल्दी का। ये जो हल्दी मतलब इसके अंदर डाल के जो भी हमने डालना है ना इसमें जो मसाला डालना है, उसके बाद आप लोगों ने एक काम करना है, इसे जो है ना अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करना है ताकि कोई भी जो है ना मसाले की जो है ना गुठली ना बने, जम जाता है ना जिससे गुठलियाँ सी बन जाती हैं, वो हमने साथ साथ उसे फेंटते रहना है। मैं डाल रही थी, उसके बाद जो मेरी बहन थी वो जो है साथ साथ जो है मतलब कि उसे बीट वो कर रही थी, मिक्स कर रही थी। उसके बाद जो है ना हमने कलौंजी भी डालनी है इसके अंदर, जो भी हम खाना बनाते हैं उसके अंदर एक चुटकी जो है ना कलौंजी की ज़रूर डालनी है। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर ये वाली कुटी हुई जो है ना लाल मिर्च होती है वो डालनी है इसके अंदर। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने क्या डालना है, ये डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसे। उसके बाद जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो है ना इसे देखो अच्छी तरह से इसे हिलाना है ताकि ना कोई भी जो है ना गुठली ना बने। ये तो खालस लस्सी है ना, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा पानी भी डालना है ताकि ना ये ज़्यादा बने, क्योंकि फिर वो जो है ना पक पक के फिर कम हो जाती है, ज़्यादा थिक हो जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। जितना हम इसके अंदर जो है ना इसके अंदर जो है ना पानी नहीं डालेंगे तो फिर वो पक के फिर वो मतलब कि अच्छी बनती है, इससे जो है ना फिर जो है पकने के बाद वो थिक होती है तो फिर मज़े की बनती है। इसके अंदर जो हमने नमक डाल दिया है, नमक डालने के बाद हम इसके अंदर जो है ना टमाटर और मिर्चें भी डालें। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते पर टमाटर डालने से अच्छा मतलब कि वो जो है ना खटास आती है, टमाटर डालनी है, मिर्ची डालनी है। मिर्चें जो है ना मैं ऐसे ही डाल रही हूँ डायरेक्ट चूल्हे पे, इस पर रख के इसके ऊपर से मतलब के मशीन में से निकाल रही हूँ। मिर्चें डालनी है, टमाटर भी मैं इस पर से निकालूँगी क्योंकि अगर छुरी से मैं काट के डालूँगी तो वो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो फिर वो जो है ना इतने उसका जो है ना छिलका वो हो जाता है तो फिर ज़्यादा ठीक नहीं होते हैं, ठीक है? अभी मैंने जो है ना मतलब मैं साथ साथ जो है ना प्याज मतलब मैंने काट ली है पकौड़ों के लिए, और जो है ना मैं अब कर रही हूँ आलू काटने हैं। मैंने आलू जो मैं वो जो है ना हाथ से काटती हूँ ताकि ना मतलब अच्छे बने, क्योंकि अगर मशीन से निकालते हैं ना तो फिर वो हो जाता है इतने मतलब पतले होते हैं तो फिर अच्छा नहीं, अच्छे नहीं बनते वो, क्रिस्पी जो बनते हैं ना वो नहीं बनते। उसके बाद जो है ना इसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, इसे जो है ना एक इसका जो है ना मिक्सचर जो है ना बना के रख लूँगी, साथ साथ मैं इसका जो है ना
दिखा रही हूँ आपको कि मैं हाथ से जो है ना उसे कर रही हूँ, मिक्स कर वो कर रही हूँ, चमचा हिला रही हूँ, चमचा जो है ना फेर रही हूँ इसके अंदर, हिलाते रहना आपने। उसके बाद जो है ना मेथी डालनी है, मेथी डालने के बाद जो है ना आपने इसे अच्छी तरह से हिलाना है ताकि ये नीचे भी ना लगे। और जो है ना मेथी के बाद जो मेथी वही है जो मैंने घर की सुखाई थी, वो मेथी मैंने डाल दी है इसके अंदर, जो कि इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। हम जो है ना घर की होती है तो फिर इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, सुखा के रख लें जब भी कोई चीज़ डालें पकाएं या फिर इसके अंदर डाल लें तो काफ़ी अच्छा मतलब कि इसके अंदर फ्लेवर आता है। ये देखें आपने ऐसे चमचा हिलाते रहना है, बस चमचा इतना हिलाना है कि इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लग रही है। साथ साथ जो है ना मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था, मैं बता रही हूँ आपको, बाद में दिखा रही हूँ वीडियो, मैंने तब रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि तब फिर जो है ना मैं अपलोड नहीं कर सकती थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो जो मैंने मिक्सर बनाया था उसका आप ये देख लें, ये ऐसा मिक्सर बना था, इससे जो मैं फ्राई कर रही हूँ, इतना फ्राई करना है मतलब ब्राउन फ्राई करना है अच्छी तरह से। इसके बाद जो है ना फिर मैं साथ साथ इसके अंदर डालती जा रही हूँ, फिर डालने का मकसद यह है कि ना इससे जो है ना वो उसके अंदर काफ़ी मतलब कि जो हम डालेंगे साथ साथ उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। साथ साथ डाल दें, पक भी रही वो साथ साथ उसके अंदर ये भी डाल देंगे तो फिर वो काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ऐसे मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ, ये देखो हमने ब्राउन फ्राई करना है और जो है ना इसके बाद साथ साथ डालते रहना है। और ये देखे मैंने डाल दिया इसके अंदर, डालने के बाद देखो मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छा मतलब मज़े की बनी हुई है। मैं तो चेक कर सकती हूँ, आप लोग से देख सकते हो। और जो है ना ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो ना बघार लगाना है, जो कि हमने लगाना है ज़ीरे का लगाते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर लगा दिया था, ये देखो ये डाल के ना ऑयल के अंदर जो है ना इसका वो लगा दिया बघार। बघार लगाने के बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी, मज़े की बन गई है, शुक्र है बन गई है, मतलब बहुत ही मतलब कोई सुबह से बनाए तो तब बनती है खाने के टाइम पे, तो फिर ज़्यादा मतलब टाइम लेती है क्योंकि जितना पकाते हैं उतने ही मज़े की बनती है। और जो है ना ये देखें फाइनल लुक आपको नज़र आ रही है कितने मज़े की बनी है ये, आप अपने घर में बना सकते हैं। मैंने तो बनाई है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिजी डे है मतलब क्लासेस लिया उसके बाद मैंने ये बनाया, चलो अभी पूरा दिन मेरा गुजर गया इसी के अंदर, मैं थक गई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।